घमासान डोलकॉम में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर। इस वक्त मैं बैठा हूँ इंदौर के गीता भवन में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर कई धार्मिक गतिविधियाँ होती रहती है और इसी के चलते हम राठी जी से रूबरू हो रहे हैं जो कि कोषाध्यक्ष है इस भवन के। क्या क्या गतिविधियाँ रहती है सर गीता भवन में? सर, हमारे गीता भवन में 12 महीना विशेष करके दोनों टाइम प्रवचन चलते हैं, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। उसमें भी ऐसा है कि एक महात्मा नहीं, अन्य अलग अलग महात्मा हर 15 दिन में एक हमारा सत्र रहता है 15 दिन का। तो 15 दिन में ऐसा करके करीब 25-30 संत महात्मा 12 महीने में हमारे यहाँ प्रवचन देने के लिए आते हैं। चाहे कर्फ्यू भी लग जाए तो भी 1 घंटा प्रवचन सुबह शाम तो होता ही है, प्रवचन कभी बंद नहीं होता है। प्रवचन कभी बंद नहीं होता है जी। गीता जयंती महोत्सव जो आपने रखा है, क्या हर साल रखते हैं? गीता जयंती महोत्सव पिछले 61 सालों से चल रहा है, 60 साल बीत चुके हैं, ये 61वां साल है जी। बाबा बाल मुकुंद जी ने हमारे गीता उनका ये किया था प्रारंभ, वो आज तक चलता जा रहा है। और इस गीता जयंती में अनेक संत महात्मा, माँ मंडलेश्वर आचार्य सभी लोग पधारते हैं। इस साल भी हमारे गीता जयंती उत्सव में हमारे शाहपुरा पीठाधीश श्री आचार्य रामदयाल जी महाराज एवं रामदयाल जी महाराज की अध्यक्षता में और जगन्नाथपुरी के हमारे आचार्य माँ मंडलेश्वर स्वामी निचलानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अनेक संत महात्मा जैसे वल्लभाचार्य है, रामानंदाचार्य है, सभी संप्रदाय के महाराज श्री यहाँ पधार करके अपने अपने प्रवचन देते हैं। गीता जयंती के प्रवचन सुबह 8 से 12:30 और दोपहर को 3 से 6 तक चलते हैं। एक सवाल सर पूछना चाहूँगा आपसे राठी जी की, इतने सालों से, 61 साल आपने बताया, इतने सालों से परंपरा चली आ रही है, क्या कुछ लोगों का फीडबैक रहता है, क्या कुछ लोग सीखते हैं? लोगों को सीखने का तो बहुत यहाँ चांस मिलता है। कारण क्या है कि सभी महात्मा सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, कोई ऊपर कोई जो है भागवत, कोई गीता, कोई रामायण, कोई उपनिषद और कोई जो है शिव पुराण, ये सभी प्रकार की यहाँ कथाएं भी चलती है। भक्त लोग यहाँ पर पदार्थ हैं और उनको जगह स्थान कहीं मान लो कि जो हमारे यहाँ मिलता है ऐसी सुविधा जब नहीं मिलता है तो यहाँ पर आकर के और महात्माओं से यहाँ गीता, भागवत, रामायण और शिव पुराण ये सभी यहाँ करवाते हैं। हम सभी धर्मों का संगम यहाँ गीता भवन में होता है। आप तो इतने सालों से यहाँ पर कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में कोई सी दिलचस्प बात जो गीता भवन की एक फेमस जगह है, ऐसी कोई दिलचस्प जो इस मंदिर में आके आप सीख पा सकते हो? ये जगह ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो जैन धर्म वाले भी महात्मा पधारते हैं और सभी धर्म वाले पधार करके, और हम जैन धर्म वालों को भी जैसे कोई लोग संत महात्मा हैं जो चतुर्मास करने आते हैं उनको हम खुला करके और हम उनसे भी प्रवचन करवाते हैं। और सभी धर्म प्रेमी जनता जो यहाँ आती है हमारे यहाँ, कोई जैसे साईं बाबा का भी है तो सभी का यहाँ जो है मंदिर बना हुआ है, सबका हम स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का आप स्वागत करते हैं। राठी जी, पूरे साल में कितने और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं? गीता भवन में 12 महीना कुछ न कुछ उत्सव चलते रहते हैं, उसमें खास करके जन्माष्टमी के दिन बहुत ही भव्य यहाँ आयोजन होता है जन्माष्टमी का, रामनवमी का भव्य आयोजन होता है, हनुमान जयंती का भव्य आयोजन होता है, वो भी 7 दिन का हमारे राम नीरसाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में होता है, रामनवमी से हनुमान जयंती तक। और गणेश चतुर्थी का भी हम उत्सव मनाते हैं, ऐसा शिव महाशिवरात्रि का भी उत्सव मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। चतुर्मास में 2 महीना महात्मा यहाँ पर पधार करके विराजते हैं और चतुर्मास में चतुर्मास का एक उत्सव होता है उसमें भागवत भी होती है, और हर सोमवार को शिव जी का अभिषेक होता है, हर मंगलवार को हनुमान जी का अभिषेक पूजा होता है, हर बुधवार को गजानन जी का अर्चना पूजन होती है, और हर 11 को जैसे महीने में 2 11 आती है उसकी शालिग्राम जी की पूजन आरती होती है, पूजन अर्चना होती है और कथा होती है, और हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और पूजन आरती होती है।
ऐसे 12 महीना यहाँ पर कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते हैं। और हमारे एक अस्पताल है, उस अस्पताल में भी करीब 100 बेड से ऊपर बेड है, 125 के करीब, उसमें भी सबकी सेवा जो है हम करते हैं अपने कम दर पर। तो ऐसी सेवाएं हमारे गीता भवन में दो अस्पतालों में भी चलती है, सवाल भी है, और सभी प्रकार की सेवाएं जो है उचित मूल्य पर हम करना चाहते हैं और करते रहते हैं। शुक्रिया राजी जी बात करने के लिए। भगवान डॉट कॉम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता है।